कुछ इंजन में कुछ आई है दिक्कत? ट्रिप है वो है बस से स्टार्ट। अभी तक आपने देखा बाइक में भी कभी कार से, लेकिन इस बार हम लोग जा रहे हैं बाय बस। तो बाय बस भी कभी कभी ट्रैवल करना चाहिए। तो गाइस इट्स आदि, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आदि व्लॉग्स। तो फिलहाल अभी हम लोग हैं ऋषिकेश में। दिव्यांश, आपने मुंशारिया ट्रिप पे देखा होगा दिव्यांश को, शिवम शर्मा जी की चाय वाले, शर्मा जी की चाय वाले में। तो हम तीन लोग हैं, तो इस बार हम लोग शेयरिंग बेस पे जा रहे हैं। तो शेयरिंग बेस पे मतलब लोगों को तकलीफ होती है कैसे जाना है तो वो उसको डिटेल में आपको बताऊंगा। फिलहाल हम ऋषिकेश में हैं। हम लोग का जो अभी प्लान है यहाँ से जाना है गोपेश्वर, लेकिन इस बस पे गोपेश्वर तो लिखा हुआ है, लेकिन ये बस जाएगी सिर्फ कंट में, क्योंकि कंट प्रयाग से हमको नेक्स्ट बस चेंज करनी पड़ेगी। अभी मॉर्निंग के बजे हैं करीब 9:30, और करीब 5 या 6 घंटे बोल रहे हैं जाने के लिए, और उसके बाद हमको वहाँ से गोपेश्वर के लिए बस मिलेगी नहीं मिलेगी इसकी अभी कोई गारंटी नहीं है। और मौसम कुछ ऐसा है, मौसम देखिए कुछ ऐसा है कि लैंडस्लाइड हो सकती है आज। अगर ऐसा होगा तो उसमें भी हम लोग को रुकना पड़ सकता है कहीं पर। तो इसलिए हमने एक डे रिजर्व किया हुआ है अपने ट्रिप पर। तो अभी इस बार का ट्रिप काफ़ी खूबसूरत होने वाला है। ट्रिप इतना खूबसूरत है तो ब्लॉग पूरा देखना और पूरी सीरीज देखना, तो आपको आएगा काफ़ी मज़ा। देखते हैं आज ऋषिकेश से पहले कर्णप्रयाग तक का रास्ता, रास्ते पूरा गोपेश्वर तक दिखाएंगे। मतलब पहले हम लोग जा रहे हैं यहाँ से कर्णप्रयाग। रास्ते में चलते हुए कितने साल हो गए आपको? मेरे को आँख बंद करके चला सकते, क्या बोल रहा है? इतने हो गए कि आँख बंद करके गाड़ी चला सकते। मेरे को जो है इसमें 44 साल हो गए। अरे भाई साहब, जो पायलट है गाड़ी के और गाड़ी में बहुत सारी सवारी भी बैठी हुई है पीछे तक, लेकिन आपने गलत लिखा है ना, गोपेश्वर लिखा हुआ है और कर्णप्रयाग पर गाड़ी है। ये हाँ, पर 8 नंबर जो है कर्णप्रयाग का। अच्छा, तो भी एक साथ कार का। अच्छा, मैंने पैसे स्टॉप लिया है यहाँ पर पेट्रोल पंप पे। तो यहाँ पर कुछ डिस्टेंस लिखी हुई है, इधर न्यू टिहरी यहाँ से 72 किलोमीटर है, ऋषिकेश से उत्तरकाशी 168 किलोमीटर है, गंगोत्री 267 किलोमीटर है, यमुनोत्री 222 किलोमीटर और देवप्रयाग है 73 किलोमीटर, श्रीनगर 111 किलोमीटर, रुद्रप्रयाग 145 किलोमीटर, केदारनाथ 230 किलोमीटर, बद्रीनाथ 299 किलोमीटर। इतना यहाँ पर डिस्टेंस दिया हुआ है, मैं कहा आपको बता दूँ जरूरी है। Do you want to know? Well, I've been thinking about you, and I think I have to listen, because the sun is up, it's a beautiful day, my beginning will be as bright as the sun, come won't you come along, and it feels so bright, it's like luck is raining on me. इसी के साथ कुछ इंजन में कुछ आई है दिक्कत? तो मेरे सामने आप देख रहे हैं, ये है पूरी तोता वैली, तोता घाटी से बोलते हैं, तोता वैली। तो एक मतलब एक इंसान ने अपनी पूरी ज़मीन जायदाद बेच दी इसको बनाने के लिए। तो बाद में उसको राजा ने मतलब इनाम में बहुत सारी मतलब सोने की मुद्राएं दी, साथ में मतलब इस वैली का नाम तो उसी के नाम पे, तोता सिंह उनका नाम था, तोता सिंह के नाम पे तोता वैली इसका नाम रख दिया, जो मतलब हमेशा के लिए इस नाम के साथ अमर हो गए। आपको पता है ये दोनों दोस्त ये बचपन के दोस्त निकले बातों में, और मैं पूरी कहानी आपको बताने भूल गया। दिव्यांश आया गुजरात से, ये और मैं आए हैं लखनऊ से बाय ट्रेन। ट्रेन से हम लोग आए थे, तो सुबह इतना टाइम नहीं था कि हम लोग सीधे एक होटल का
हमने 100 रुपये में एक होटल लिया और वहाँ नहाए धोए और फ्रेशर्स हुए। उसके बाद सीधे बाहर निकले तो देखा कि बस लगी थी, तो सीधे हम लोग वहाँ से ऋषिकेश से बस से बैठ गए और 360 रुपये किराया था एक आदमी का कर्णप्रयाग तक। अभी किराया है, अभी बस देवप्रयाग से करीब 5-6 किलोमीटर के पहले रुकी हुई है नाश्ता करने के लिए। सुबह के 11 बज गया, उन्होंने नाश्ता किया, लंच का टाइम भी हो गया। और इस रेस्टोरेंट से जो भाई पीछे घाटी का व्यू है कुछ ऐसा है, आप देखो कितना बहुत मस्त नज़ारा है। नीचे माँ गंगा बह रही है, मतलब क्या है कि देवप्रयाग से ये माँ गंगा कहलाती हैं। उससे पहले देवप्रयाग में संगम है, अभी जब देवप्रयाग जाएंगे तो मैं आपको पूरी डिटेल बताऊँगा। फिलहाल ये रेस्टोरेंट है जहाँ हम खाएंगे खाना, ये कुछ ऐसा। आप नीचे देख रहे हैं ये है भागीरथी नदी, हम लोग इस रोड से जा रहे हैं तो ऐसे यूं टर्न करके हम लोग फिर अलकनंदा के किनारे किनारे जाएंगे। वो जो उधर को रोड चलेगी वो चलेगी गाजा की ओर। उत्तरकाशी भी वही रोड जाएगी ना? उत्तरकाशी वही रोड उत्तरकाशी भी जाएगी आपके भागीरथी के किनारे किनारे। गंगोत्री अगर आपको जाना है तो आप यहाँ से देवप्रयाग से ऐसे जा सकते हैं, यहाँ से बैंड हो जाएगी यूं बार यूं करो तो फिर हम जाएंगे अलकनंदा के किनारे किनारे। बोल रहे हैं इसके बाद 100 की स्पीड से गाड़ी चलाएंगे क्यों? हाँ वो है कर्णप्रयाग जो जो बोल रहे 100 की स्पीड से गाड़ी चलाएं ना ताकि हम लोग चंद्रयान का रोवर बन जाएंगे, कॉन्टैक्ट टूट जाएगा दुनिया से, समझे? क्यों? हाँ भाई जी यहाँ तो देखो, बोलो 100 की स्पीड चलाओगे ना गाड़ी? 120 तो यहाँ पर मेरा है पहला लैंडस्लाइड, मतलब ऐसा लैंडस्लाइड कि जहाँ पर जाम लगा हम लोग को, यहाँ पत्थर गिरे हुए हैं 2-3 दिन पहले तो उसकी वजह से एक एक साइड बाई एक टन बाई जा रही है। अभी यहाँ का रूट खुला हुआ है, कुछ देर पहले पहले का खुला था तो यहाँ पर ऐसा जाम भी लगता है बरसातों के टाइम पे, इसलिए हम लोग बस से आए। अगर जाम में कहीं फंस गए या जाम बहुत देर तक रहा तो बस से उतरेंगे तो बल्टी बल्टी मार लेंगे। सामने देख रहे हैं ये है कर्णप्रयाग, ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे मार्ग का जो काम चल रहा है, जो टनल का काम चल रहा है वो पूरा का पूरा यहाँ पर है, यानी कि रुद्रप्रयाग के पास में यहाँ तक काम हुआ है। अभी बीच में मैंने कहीं देखा, मतलब यहाँ तक हम देखा है कि अंदर टनल कहीं हो वो तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन यहाँ पर इसका एक स्टेशन यहाँ पर है। तो सिचुएशन ये है कि
हम लोग पहुंच गए हैं कर्णप्रयाग। ये आप देख रहे हैं सामने, यह है पिंडर नदी, और पीछे आ रहे हैं हम लोग, दौड़ लगा रहे हैं। वो गोपेश्वरी बस जा रही है, वो रुकने के लिए बोला हुआ है। एक्चुअली यहाँ पर क्या होता है ना, चालान कर जाता है क्योंकि सिंगल रोड है, इसलिए तो हम लोग को वो रोड पकड़नी है फिलहाल, वो रोड जो है वो बस पकड़नी है। तो अभी शाम के करीब बज गए 5 और गोपेश्वर तो हम पहुंच जाएंगे, लेकिन हमें गोपेश्वर से आगे मंडल गांव की ओर जाना है। तो हम ये देख रहे हैं कि भाई वहां पहुंच पाएंगे कि नहीं पहुंच पाएंगे। फिलहाल याली बस में है, ऋषिकेश से लेकर कर्णप्रयाग 360 रुपये के आ जाता है। देखते हैं कितना लगता है। तो गोपेश्वर तक आपको पता चला कितने रुपये लगता है, फिर उससे आगे बताते हैं। पहले सामान रखते हैं गाड़ी में, उसके बाद बात करते हैं। यहाँ से बस में बैठे हैं अब चमोली के लिए। इनकी हालत खराब होगी, बोले अरे यार तुमने बाइक लेके आना चाहिए था। मैंने कहा तुमने पहले बोला नहीं कि बाइक लेके आता है, मैंने तुमने बोला कि शेयरिंग शेयरिंग चलेंगे, तो अब ठीक है। अब यहाँ से तो किराया दिया है 360 रुपये दिया वहाँ से तक, और यहाँ से 70 रुपये चमोली। उसके बाद वो मंडल गाँव को हमारा पड़ता है चमोली से करीब 10 किलोमीटर गोपेश्वर है, और वहाँ से 35 किलोमीटर और डिस्टेंस है। अब देखते हैं वहाँ से हमें बस मिलेगी नहीं मिलेगी। फिलहाल तो घर पे आके मिल गई है, डायरेक्ट से बस लगी हुई थी तो उसमें हम तुरंत बैठ गए, तो इस पर टाइम वेस्ट नहीं हुआ। अभी फिलहाल चमोली में उस बंदे ने गाड़ी भी अच्छी चाहिए, आधे घंटे में हमको मतलब कर्णप्रयाग से चमोली छोड़ दिया। पहले वाले ने बहुत देर लगाई थी। अभी यहाँ से ढूंढ रहे हैं हम लोग, या तो गोपेश्वर जाएंगे या तो जाएंगे सीधे मंडल, देखते हैं वहाँ के लिए कोई टैक्सी या गाड़ी मिलती है। तो बैठ गए हम लोग सेंट टैक्सी में चमोली से लेके गोपेश्वर तक। ये इसका किराया 10 किलोमीटर डिस्टेंस है, किराया है 30 रुपये। तो मंडल अभी हम अभी फिलहाल गोपेश्वर में, चमोली से आए गोपेश्वर। अभी यहाँ पे टैक्सी स्टैंड में कोई भी गाड़ी मंडल की नहीं है जो हमको सागर तक लेके जाए। हाँ, तो अभी फिर हमने यहाँ पर 2-3 लोग और थे, तो टोटल हम लोग 5-6 लोग हो गए हैं। तो एक गाड़ी वाले से बुकिंग कर रहे हैं 700 रुपये में, उन लोग को मंडल छोड़ेगा, हम लोग को जाना है सागर तक, जहाँ से मतलब हमारा नेक्स्ट ट्रिप स्टार्ट होगा। नेक्स्ट ट्रिप आपको बताऊंगा सागर से हम लोग कहाँ जाने वाले हैं, वो आपको नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊंगा। अभी वहाँ जाके हमने होटल वगैरह लेना है, होटल कितने रुपए मिलेगा क्या मिलेगा अभी इसकी कोई गारंटी नहीं है। जो फिर भी है आगे देखते रहो ब्लॉग तो पता चलेगा धीरे धीरे। तब तक के लिए कुछ नहीं, तब तक के लिए आप इंतजार करो हमारा वहाँ सागर पहुँचने का। शाम का नज़ारा है ऐसा कुछ यहाँ सागर का, तो आप देख रहे हो ना कितना प्यारा लग रहा है। पीछे बिल्कुल ब्राइट है आसमान और बादल बिल्कुल काले काले नज़र आ रहे हैं, और मैं ढूंढ रहा हूँ यहाँ पे होटल। फिलहाल कोई अच्छा होटल मिल जाए बार्गेनिंग करके देखते हैं कितने में क्या मिल जाएगा, हमको अच्छा हो जाएगा। रूम फिर तुम लोग को क्या रूम कैसा लगा? ठीक है भैया, रूम लिया है हमने, मेरी भाषा में फिर तुम जानते ही हो। हाँ, रूम लिया है हमने 600 रुपये का। हम इसकी भाषा सुनना नहीं चाहते हैं। ये एक डबल बेड है और एक बेड है 3 लोग के लिए, आराम से हो जाएगा। हम रुके हैं भैया, होटल का नाम क्या है? देवलोक। हाँ, देवलोक होम स्टे है यहाँ पे। थोड़ा मेरे उसमें चेहरे पे लाइट कमा दी। तो ये भाई साहब का होटल है सागर में, अपना नंबर बता दो। 9897610190। हाँ, तो इनका नंबर है, तो इनसे आप कॉन्टेक्ट कर लो, जो भी होगा आप अपने बार्गेनिंग अपने हाथ से करना। हाँ, अच्छी सर्विस है अंकल, यहाँ रेस्टोरेंट भी खुला हुआ है, खाना भी मिलेगा साथ में, यहाँ पर रूम भी है। 3 रूम है ना? 3 रूम है। आप आराम से मतलब एक रूम में 3 लोग रह सकते हैं। हाँ, यानी कि 3 लोग रह सकते हैं, 4 लोग रह सकते हैं, 2 लोग रह सकते हैं। हाँ, तो मतलब आराम से 10-12 लोग के लिए ये पूरा का पूरा होटल है, और सामने का नज़ारा आप देख ही रहे हो। तो फिनिश करते हैं याले ब्लॉग को यहीं पर, क्योंकि सुबह से ऋषिकेश चलते चलते होगी हालत हमारी ख़राब बहुत ज़्यादा, क्योंकि 2 बसें बदली हैं और 2 सेम टैक्सी बदली हुई है। इतने बदल के पहुँचे हैं हम यहाँ तक। अब नेक्स्ट देखना अगले वाले ब्लॉग में, तो मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।